14 मई को छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित हो चुके हैं और एक बार फिर शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान शकुंतला विद्यालय ने बेहतर शिक्षा देने का प्रमाण देते हुए एक टॉपर प्रदेश को दिया है। शकुंतला विद्यालय द्वारा दी जाने वाली शिक्षण प्रणाली को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने स्कूल की प्राचार्य से चर्चा की और जाना कि इस वर्ष ऑफलाइन परीक्षाओं से परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम पर क्या असर पड़ा है और क्यों। नमस्कार दर्शकों, एजुकेशन हब भिलाई में वैसे तो कई सारी स्कूलें हैं, संचालित होती है और उनके रिजल्ट्स भी बताते हैं कि वहाँ का पढ़ाई और वहाँ का माहौल किस तरह का रहा होगा। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं शकुंतला विद्यालय की, एजुकेशन हब भिलाई की नाम चर्चित स्कूल शकुंतला विद्यालय हमेशा से ही शिक्षण शैली को लेकर अपना नाम जो है ऊपर, काफ़ी ऊपर तक पहुँचा चुकी है और यहाँ के जो रिजल्ट भी रहते हैं वो बताते हैं कि यहाँ की पढ़ाई और यहाँ के बच्चे किस तरह का स्टडी करते हैं और अपना नाम, अपना परचम और अपनी शाला का नाम कैसा आगे तक ले जाते हैं। तो जैसे कि आप बता दें कि CBSE के पेपर्स अभी चल रहे हैं, एग्जाम अभी शुरू हुए हैं, लेकिन वहीं पर CG बोर्ड के रिजल्ट, चाहे वो 10th हो या 12th, दोनों के रिजल्ट आ चुके हैं। CG बोर्ड के एग्जाम में शाला नंबर 2 के शकुंतला विद्यालय का एक 12th का विद्यार्थी है जो कि यहाँ का टॉपर्स है और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट लाकर शाला का नाम तो रोशन किया है, साथ ही जिले को भी गौरवान्वित किया है। तो इस वक्त हम चर्चा करने के लिए शकुंतला विद्यालय में मौजूद हैं और प्रिंसिपल मैडम आरती मेहरा जी हमसे चर्चा करेंगी और बताएंगी कि शाला का जो रिजल्ट है वो कैसा रहा और स्टडी, यहाँ पढ़ाई किस तरह कराई गई। मैडम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। मैडम, मैं जानना चाहूँगी कि अभी बीते 2 कोरोना काल में शाला का जो पहले का रिजल्ट था और अभी के रिजल्ट में क्या समानता है, जैसे कि एक टॉपर से अभी और पूर्व में 2 या 3 थे ऐसा अभी सर ने मुझे बताया था। 19 और 20 में हमारे यहाँ 3 टॉपर्स थे 10th और 12th के। उसके बाद पिछले 2 सालों से कोरोना 19 की वजह से पैंडमिक सिचुएशन ऐसी थी कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम हुए थे, ऑफलाइन एग्ज़ाम तो हुए नहीं थे। इस बार ही ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, उसमें भी काफ़ी दिन स्कूल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही चला है। तो हमारा टॉपर जो इस बार है प्रणय पांडे, प्राइवेट सूची में, जो कि हमारी स्कूल की परंपरा ही रही है कि प्रतिवर्ष विद्यार्थी प्राइवेट सूची में अपना स्थान बनाते ही हैं। इस परंपरा को ध्यान रखते हुए प्रणय पांडे ने प्राइवेट सूची में अपना स्थान दर्ज कराया है। मैडम, जैसा कि बच्चों ने आधी पढ़ाई ऑनलाइन की और आधी ऑफलाइन की और किसी हद तक इन्होंने मांग भी की थी कि ऑफलाइन ना होकर के एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कराया जा सके, तो क्या रिजल्ट जो है हालांकि अच्छा आया है, टॉपर्स एक आया है, प्रदेश में भी देखा जाए तो 19-20 आंकड़े बने हैं टॉपर्स के, तो क्या वजह मानते हैं कि बच्चों ने जो ऑफलाइन एग्ज़ाम ना हो के ऑनलाइन मांगी थी उसको क्या सुनना था या फिर नहीं जो हुआ या ठीक है? ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है वो होना ही चाहिए था, सिचुएशन को देखते हुए तो ऑफलाइन एग्ज़ाम ठीक था। ऑफलाइन एग्ज़ाम ठीक होना होना, यस मैम। हमारे जितने भी पेरेंट्स भी थे या स्टूडेंट्स जो हमारे हैं और हमारा मैनेजमेंट, हम लोग सभी चाहते थे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ही हो। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो अच्छा डिसीजन। पूरे प्रदेश भर के अगर आंकड़े बताएं तो कितने हैं, क्या हम कितना आंकड़ा कितना दे सकते हैं रिजल्ट्स को लेकर? पूरे प्रदेश में जो हमारा रिजल्ट आया है वो 74% अप्रॉक्स आया है। जैसे कि अभी CG बोर्ड के रिजल्ट्स निकल चुके हैं, टॉपर्स भी सामने आ चुके हैं 12th और 10th के, लेकिन CBSE के भी चल रहे एग्जाम, तो क्या मान सकते हैं कि उसमें टॉपर्स की संख्या ज़्यादा होगी या फिर अभी इसमें रिजल्ट आने पर ही डिक्लेयर हो पाएगा, अभी से कुछ कहना संभव नहीं है। शकुंतला विद्यालय की हम बात करें तो यहाँ की जो शिक्षण शैली है और बच्चों को तैयार प्रिपरेशन करने का तरीका ही अलग है, डायरेक्टर सर हो या प्रिंसिपल मैडम आप हैं या पूरा स्टाफ है, किस तरह का प्रयास करता है उनको अच्छे अंक लाने के लिए, उनको शिक्षा के स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर माननीय श्री संजय ओझा जी के नेतृत्व में और विपिन ओझा जी और हमारे सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं के अथक प्रयास से हम सभी बच्चों को काफ़ी मेहनत करवाते हैं, उनका टेस्ट सीरीज लेते हैं और हम जितने भी पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन पेपर वगैरह है उसे सॉल्व करवाते हैं, टेस्ट लेते हैं उनका। इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह का किसी भी सब्जेक्ट में, विषय में किसी स्टूडेंट्स को, विद्यार्थी को डाउट ना रहे, हम उनके पूरे डाउट्स को क्लियर करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से अच्छा अपना रिजल्ट दें हमें।
जैसा कि काउंसलिंग एक प्रक्रिया है, काउंसलिंग में कितने इन्हें पेरेंट्स और जो उनका स्टूडेंट्स का सामंजस्य बैठता है? स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हमें पूरा सहयोग करते हैं और हम बच्चों के स्तर को देखते हुए उनकी काउंसलिंग भी करते हैं। जैसे कि अब मैं डिजर्व से हटकर एक स्वच्छता को लेकर कुछ आपसे चर्चा करूंगी, ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं संजय ओझा सर, और उन्होंने शारा में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कितनी स्वच्छता है, या एक ब्रांड एम्बेसडर रहते उन्होंने कितना मोटिवेट छात्रों को किया है। आने वाले दिनों में जैसे उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर सफाई को लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण में निभाया है, आगे इनकी क्या देन रहेगी जो जैसे प्रशासन को भी उसे वो मिले सहायता? जो हमारा प्रयास, हमारे डायरेक्टर सर का जो प्रयास है, वो उस प्रयास को हम आगे भी इसी तरह से लगातार रखेंगे। मैं आप शहर की प्रतिष्ठित स्कूल शकुंतला विद्यालय की प्रिंसिपल हैं और इस बार जो रिजल्ट आया है उसको देख करके आप शहर के और भी जो बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, भले वो किसी और स्कूल में अध्ययन कर रहे हों, उनके लिए किस तरह की टिप्स देंगे कि वो अच्छे रिजल्ट लाए, या उनके पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो मैम ये कहूँगी कि बच्चों की अच्छे से काउंसलिंग करनी चाहिए, उनका रुझान किस ओर है उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। शाला तो अपने स्तर पे पूरा काम करता ही है, जब तक स्टूडेंट्स विद्यार्थी हमारे पास में है तो हम सभी मिलकर के, हमारा मैनेजमेंट, शिक्षक शिक्षिकाएं सब मिलकर के हम प्रयास करते ही हैं। लेकिन मैं चाहूँगी, मैं ये बोलना चाहूँगी सभी से कि विद्यार्थी बच्चा जो भी है, माता पिता का ध्यान थोड़ा सा रुझान उनकी ओर किस तरफ है, किस फील्ड में है उसकी ओर दें और समय निकालें बच्चों के लिए। आजकल की भागा दौड़ भरी जिंदगी में जो है समय माता पिता अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं, तो वो समय दें, उनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि सबसे अच्छे काउंसलर मुझे लगता है कि माता पिता से बढ़कर के कोई काउंसलर नहीं होता है। तो वो उनकी काउंसलिंग करें, स्टूडेंट्स का, उनके बच्चों का रुझान किस ओर है उस तरफ ध्यान दें, प्रयास करें। मेरा यही सबसे और पालकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों का समय दें और उनके साथ समय ज़्यादा से ज़्यादा बिताएं। मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ चर्चा की और बहुत सारे सवालों का जवाब देते हुए शिक्षण शैली को लेकर भी बताया कि बच्चों को कैसा प्रिपरेशन देना है और स्कूल और घर में बताया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी आरती मेहरा मैडम, ये शकुंतला विद्यालय शाला नंबर 2 की प्रिंसिपल मैम है। उन्होंने बताया कि 12th का रिजल्ट, जो एक बच्चा टॉपर्स है उसने किसने स्टडी की और स्कूल का क्या योगदान रहा, और CG बोर्ड और CBSE बोर्ड के रिजल्ट को लेकर उन्होंने कुछ अभी बोला तो नहीं है, तो समय रहते पता चलेगा रिजल्ट कैसा आएगा। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो माता पिता हैं वो बच्चे के सबसे पहले काउंसलर हैं, तो माता पिता को चाहिए कि उनके बच्चों का रुझान किस ओर है, किस सब्जेक्ट की ओर है, किस ओर में जाना चाहते हैं, उनका रुझान देखते हुए उस ओर उनको, उसको जाने के लिए मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें और उसके जो रिजल्ट हैं अच्छे आएँ, शाला के साथ साथ परिवार का और प्रदेश का नाम भी वो रोशन करें। धन्यवाद।